I welcome you all on my channel. My channel Divine Souls talk about the solution of your life. आप सभी को मेरा आत्मा नमस्ते. कमेंट सेक्शन में आत्मा नमस्ते जरूर लिखिएगा. जिंदगी में कितनी सारी इच्छाएं होती हैं. इच्छा होती है पैसा कमाने की, इच्छा होती है जॉब पाने की, इच्छा होती है नया प्यार पाने की, राइट लाइफ पार्टनर पाने की. बहुत सारी इच्छाएं हम सबकी जिंदगी में होती हैं. नया घर पाने की इच्छा होती है, बच्चे पाने की इच्छा होती है, बहुत सारी इच्छाएं, अनलिमिट इच्छाएं होती हैं. और ऐसा हम हर वक्त सोचते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि हमारी इच्छा पूरी हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि मेरे को ये मिल जाए, मेरे को ये तुरंत मिल जाए. और हम देखते हैं कि इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब भरा पड़ा है मैनिफेस्टिंग टेक्निक से, कि मैनिफेस्टिंग करने से इच्छा पूरी होती है. मैनिफेस्टेशन, इच्छा पूर्ति. मैनिफेस्टेशन का मतलब ही है इच्छा पूर्ति, कि जो आप चाहो वो पूरा हो जाए. क्या सच में मैनिफेस्टेशन रोल प्ले करता है? बिल्कुल, मैनिफेस्टेशन हम सबकी जिंदगी में रोल प्ले करता है. नोइंगली अनोइंगली भी अगर आप देखोगे, आपके कामों में आपका मैनिफेस्टिंग काम कर रहा होता है. कैसे काम कर रहा होता है? कभी ध्यान दिया है? आप सोचते हो ये नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो और ये हो जाता है, और आप सोचते हो ये हो और ये नहीं होता है. मैनिफेस्टिंग काम कर रहा है लेकिन उल्टे तरीके से काम कर रहा है. जहां आप सोचते हो ये नहीं हो वो चीज हो जाती है, और जो चीज आप सोचते हो वो नहीं होती है. ऐसा क्यों होता है? इसके दो कारण है. मैनिफेस्टिंग करते वक्त हमेशा ये ध्यान रखना कि आप किस तरीके के थॉट्स उस मैनिफेस्टिंग करते वक्त डाल रहे हो. आप सोच रहे हो ये हो जाए, हो जाए, हो जाए, ये हो जाए, लेकिन साथ में एक डर आपके दिल में रहता है, अगर नहीं हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो वो जो डर है ना, इतना मजबूत होता है आपके थॉट से कि वो चीज़ नहीं होती. और आप जब ये सोचते हो कि ये नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो, और आपका डर कहता है हो गया तो, हो गया तो, हो गया तो वो क्या होता है? हो जाता है. तो आप समझ रहे हो कि कैसे आपका जो थॉट प्रोसेस है और आपका जो दिल का प्रोसेस है, जब ठीक तरीके से ट्यून नहीं हो रहा होता तो चीजें गड़बड़ा जाती है मैनिफेस्टिंग में. ट्यूनिंग होना बहुत जरूरी है. जो दिमाग सोचे वही दिल सोचे, और जो दिल सोचे वही दिमाग सोचे, तो मैनिफेस्टिंग 101% वर्क करती है. मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ 369 मैनिफेस्टिंग का मेथड. 33 डेज में मैं गारंटी लेती हूँ कि आपकी जो इच्छा है वो पूरी होगी, लेकिन उसके लिए आपकी ट्यूनिंग होना बिल्कुल सही होना चाहिए. जैसे मैंने अभी ट्यूनिंग का एग्जांपल बताया कि आपका जो बिलीफ है, आपका जो आपकी मैनिफेस्टिंग, जो आपकी इच्छा है. मैनिफेस्टिंग क्या है? आपकी इच्छा, उसको बोलते हैं मैनिफेस्टिंग. इच्छा, इच्छा पूर्ति. तो जो आपकी इच्छा है वो आपका बिलीफ होना चाहिए. आपका दिल और दिमाग आपके बिलीफ पे स्ट्रांग होना चाहिए. तो 33 दिन में मैं गारंटी लेती हूँ कि आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी. शुरू करते हैं इस मेथड को समझने का तरीका. तो सबसे पहले 369, ये 369 है क्या? 369 डिवाइन का सेक्रेड नंबर है यूनिवर्स में. न्यूमरिकल वाइज, न्यूमरोलॉजी वाइज, ये 369 का कॉम्बिनेशन है यूनिवर्स के अंदर, जो कि प्रोसेस करता है आपकी मैनिफेस्टिंग को. 369, 3 मतलब आपका यूनिवर्स, 6 मतलब आपका इनर स्ट्रेंथ, और 9 मतलब कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस. तो 369 ये जब हम टेक्निक यूज करेंगे, जो मैं आपको समझाऊंगी, कब तक करेंगे? 33 डेज तक. अगेन 3 + 3 = 6. 6 इज द न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू, इज वीनस. वीनस इज ऑल अबाउट इच्छा पूर्ति. तो जब 33 डेज तक, 6 जिसका टोटल आता है, वीनस को हम एक्टिवेट करते हैं किस मेथड से? 369 के मेथड से. तो आपकी इच्छा पूर्ति 101% होगी. बट प्रॉमिस मी कि आपको क्या रखना है? बिलीफ रखना है, आपको विल रखनी है,
इस प्रोसेस को करने के लिए। अगर ये बिलीफ आप अपने ऊपर रख सकते हैं कि आपका माइंड और आपका हार्ट ट्यून रहेगा, तो इस वीडियो को आप आगे देखो। अगर आपको बिलीफ नहीं है अपने दिमाग पर और अपने दिल पर, तो इस वीडियो को यहीं स्किप कर आप दूसरे चैनल पे जाके कोई और वीडियो देखो। अपना टाइम वेस्ट मत करो। तो ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए कंटिन्यू करती हूँ जिनका बिलीफ है किस पर, मुझ पर नहीं, अपने आप पर, अपने दिमाग पर, अपने दिल पर, कि आप जो इच्छा रखते हैं वो 101% पूरी होगी। तो मैं आपसे वादा करती हूँ ये टेक्निक जो मैं आपको बता रही हूँ ये आपके लिए 101% काम करेगी। तो पहले सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैनिफेस्टिंग कैसे करनी चाहिए, कैसे हम ट्यून करें अपने माइंड को और अपने दिल को, कैसे ट्यून करें कि हमारी जो ट्यूनिंग है वो बिगड़े नहीं हमारी इच्छा पूर्ति के लिए। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल में समझाया, जो दिमाग सोचे वही दिल सोचे और जो दिल सोचे वही दिमाग सोचे, मतलब आपको सोचना है कि हाँ मेरी इच्छा पूरी हो गई। क्योंकि सपने तो सपनों में रह जाते हैं, उनको पूरा करना हकीकत कहलाता है। हकीकत क्या होती है? प्रेजेंट आपकी लाइफ, प्रेजेंट टेंस आपका हकीकत होता है। तो सपनों को हकीकत में बदलने के लिए, अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदलने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले इंटेंशन क्या रखनी है प्रेजेंट टेंस की। आप जो भी इच्छा चाहते हैं वो आप ये देखकर, ये सोचकर कि ये हो रहा है मेरे साथ इस वक्त मेरी जिंदगी में ये हो रहा है, तो आपका 1% क्या 99% आपकी इच्छा तो यही पूरी हो गई। जब आपने इच्छा जीने लगे, जब आप अपनी इच्छा को जीने लगते हो, तो वो इच्छा को ही रह जाती है, वो तो आपकी जिंदगी बन जाती है। सपना देखा, उस सपने को इच्छा में कन्वर्ट किया और उस इच्छा को आप जीने लगे, तो आप क्या इस टाइम पर उस इच्छा को जी रहे हो, वो आपकी जिंदगी हो गई। तो आप समझ रहे हो, आपकी जो भी इंटेंशन रहेगी वो किस में रहेगी? प्रेजेंट टेंस में रहेगी। सेकंड, आप कभी भी डोंट, मैं नहीं कर सकता, संभव ही नहीं है, मैं जो सोच रहा हूं, मैं जो इच्छा रख रहा हूं, दिमाग कह रहा है मेरी ये इच्छा है, मन कह रहा है संभव ही नहीं है, मन कह रहा है मेरी ये इच्छा है, दिमाग कह रहा है संभव ही नहीं है। तो डोंट में मत रहना, डाउट में मत रहना, मैं नहीं कर सकता मत सोचना, ये नहीं होगा मत सोचना। समझ रहे हो? तो क्या नहीं सोचना? आपकी जो इच्छा है उससे नेगेटिव आपको नहीं सोचना है। अगर 1% नेगेटिव आ रहा है तो समझ लो आपकी जो इच्छा है वो पूरी नहीं होगी। क्योंकि क्या, अगेन ट्यूनिंग बदल जाएगी, ट्यूनिंग बदल गई तो मैं क्या, आप क्या, इच्छा कोई पूरी कर ही नहीं सकता। आपकी इच्छा है, आपको पूरी करनी है, तो अपने बिलीफ सिस्टम को आपको स्ट्रांग रखने की जरूरत है। तो आपको ये कैसे होगा सोचने की जरूरत नहीं है भैया, आपकी इच्छा है डेफिनेटली होगा, ठान लिया तो जरूर होगा, ठान लोगे तो करके दिखाओगे। जब ठान लेते हैं, हम इंसान हैं, भगवान ने हमें इंसान बनाया है, जब इंसान कोई चीज करने की ठान ले तो उसको कोई रोक नहीं सकता। कभी सोचा था कि आप प्लेन में ट्रेवल करेंगे, आसमान में प्लेन में ट्रेवल करेंगे? कभी सोचा था कि इंसान जो है मून पे जा सकता है? नहीं। कभी सोचा था कि कोई माउंट एवरेस्ट चढ़ सकता है? नहीं। लेकिन इंसान ने कर दिखाया, क्योंकि उसने वो इच्छा ठान ली थी। कोई सोच सकता था कि टेलीफोन पे हम बात कर सकते हैं? नहीं। कोई सोच सकता था बिजली प्रोड्यूस हो सकती है? नहीं। लेकिन जिसने सोचा उसने करके दिखाया, क्योंकि उसने ठाना, क्योंकि उसको अपने पे विश्वास था। उसने ये विश्वास भी क्या है, इच्छा है, ये विश्वास भी क्या है, मैनिफेस्टिंग है। तो आपको ये कैसे होगा? होएगा, रास्ते खुलेंगे, अपने आप खुलेंगे। जब आप अपनी इच्छा को जीने लगोगे, अपने आप रास्ते खुलेंगे, यूनिवर्स आपके लिए रास्ते खोलेगा और आप दंग रह जाओगे कि ये खुल कैसे गए। तो ये कैसे होगा, कब होगा, कौन करेगा, इन सब की टेंशन आपको नहीं लेनी है। ये सब की टेंशन आपको किस पे छोड़ देनी है? यूनिवर्स पे। क्योंकि आपको अपना कर्म करना है, आपको अपना 100% देना है। सिर्फ सोचने से, सपने देखने से नहीं होता। अगर बैठे बैठे आप विश लिख लो कि मेरी ये विश पूरी हो जाए, मेरी विश है कि मुझे
1,000 रुपये मिल जाए, विश लिख के छोड़ दिया लेकिन उस पर आपने काम नहीं किया, तो कहाँ से 1,000 रुपये आपको मिलेंगे? काम तो आपको करना पड़ेगा। आप अपना 100% दो, यूनिवर्स आपको अपना 100% देगा। उसको कहते हैं विश मैनिफेस्टेशन, राइट? तो आपको हाउ, कांट, डोंट, कैसे होगा, कब होगा, कौन करेगा, इसकी टेंशन नहीं लेनी है। आपको किसकी टेंशन लेनी है? प्रेजेंट की टेंशन लेते हुए कि मेरा ट्यूनिंग जो है वो कैसा रहे, 100% मैच में रहे। सेकेंड, प्रेजेंट टेंस में आप क्या करोगे? अपनी इंटेंशन रखोगे कि आप इस वक्त अपनी विश जो है जी रहे हो, इस वक्त जी रहे हो आप। थर्ड, आपकी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर। आपको पता होना चाहिए आप क्या विश कर रहे हो, उसमें डाउट नहीं होना चाहिए, किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो वो डाउट नहीं होना चाहिए, आपकी जो विश है, इंटेंशन है, वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि भाई मेरी इच्छा है मुझे नई ड्रेस मिले, मेरी इच्छा है मुझे येलो कलर की ड्रेस मिले, मेरी इच्छा है मुझे रेड कलर की ड्रेस मेरे पास हो, मेरी इच्छा है मेरा इतना बड़ा बंगला हो। तो क्लियर इंटेंशन होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए मेरी इच्छा है, मैं चाहती हूँ मेरा एक घर हो, बट कितना बड़ा हो मैं नहीं जानती, बस घर हो, तो ये इंटेंशन क्लियर नहीं है। मेरी इच्छा है मेरा एक बंगलो हो, मेरी इच्छा है मेरा एक फ्लैट हो, मेरी इच्छा है कि मेरे पास एक मर्सिडीज कार हो। तो जो कार भी है मुझे पता है कौन सी कार चाहिए, अगर मुझे मारुति चाहिए तो मुझे पता है मुझे मारुति चाहिए, अगर मुझे चाहिए मर्सिडीज तो मुझे पता है मेरे को मर्सिडीज चाहिए। लेकिन क्लियर इंटेंशन के साथ आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो चीज़ प्रैक्टिकल होनी चाहिए। मैं अगर बोलूँ मेरी इच्छा है कि मैं टाटा अंबानी बन जाऊँ, तो क्या पॉसिबल है? है। कैसे? मैं स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी पे चढ़ती हुई मेहनत करूँ तो डेफिनेटली एक दिन मैं अंबानी भी बनूंगी, मैं टाटा भी बनूंगी। उससे पहले मुझे स्टेप्स पे वर्क करना पड़ेगा, लेकिन राइट नाउ जो मेरा स्टेप है वो मेरा स्टेप है वो टाटा अंबानी बनने के लिए, कि मुझे एक पक्की नौकरी चाहिए। बिना नौकरी के मैं टाटा अंबानी कैसे बन जाऊंगी? फिर तो ये इच्छा बेकार की इच्छा है। उसके लिए मेरे पास जॉब तो होनी चाहिए, उसके लिए मेरे पास काम तो होना चाहिए। उस काम पे जब मैं मेहनत करूंगी डेफिनेटली मैं अंबानी बनूंगी, मैं टाटा बनूंगी, मैं बिरला बनूंगी। तो समझ रहे हो, इंटेंशन भी क्लियर इंटेंशन आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप, अब आप जब ये प्रोसेस स्टार्ट करोगे, जो मैं आपको 369 मेथड सिखाने वाली हूँ, वो जब आप प्रोसेस स्टार्ट करोगे, तो अगर आपको कोई आइडिया आता है, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि मेरे को घर खरीदना है, अब आपने उस मैनिफेस्टिंग पे मेथड पे वर्क करना स्टार्ट किया, अब आपको एक आइडिया मिलता है, अच्छा घर खरीदने के लिए अभी तक मैंने इस ब्रोकर से बात नहीं करी थी, आपको एक फीलिंग आती है कि अरे इस ब्रोकर से मैंने बात नहीं करी थी, तो तुरंत आप उस ब्रोकर को कॉन्टैक्ट करेंगे। अगर आपको एक आइडिया आता है कि अगर आपको पैसे चाहिए, ठीक है, आपको एक अमाउंट ऑफ मनी चाहिए, अब आपके पास एक आइडिया आता है, अरे मेरे को अमाउंट ऑफ मनी चाहिए, मैं अगर यहाँ पे जाके ये मेरे को टेम्प्रेरी वर्क प्रोफाइल मिल रहा है, मैं इस पर काम करूँगा, तो मैं उतना मेरे को महीना इतना पैसा मेरे को दे देंगे वो लोग। तो आपके अंदर जब आइडिया आ रहा है, उस आइडिया को आपको अप्लाई कर देना, शुरू कर देना है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको ये 369 मैनिफेस्टिंग मेथड कितने दिन तक करना है? 33 डेज तक करना है रेगुलर, एक दिन भी स्किप नहीं करना है। स्किप हो गया तो भैया फिर से आप शुरू करिए, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, आपको शुरू से शुरू करना पड़ेगा डे वन से। ये लाइन जो है, ये चेन जो है, ये टूटनी नहीं चाहिए। टूट रही है तो अगेन समझ जाना, क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम मजबूत नहीं है, आपकी इच्छा ही मजबूत नहीं है, आपको अपने पे ही विश्वास नहीं है, इसलिए ये चेन टूटी। चेन तभी टूटती है जब आपकी ट्यूनिंग जो है वो खराब हो जाती है, आपका बिलीफ सिस्टम आप पे से खुद से हिल जाता है। तो शुरू करते हैं अब अपना प्रोसेस 369 है क्या ये 369, ये मैंने आपको समझाया, इसकी एनर्जीज बताई, इसका सीक्रेट नंबर का मीनिंग बताया, आप इसको अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको मैं अपनी ऑब्वियस है इच्छा पे वर्क करना है। अब इच्छा पे वर्क करना है तो आपकी कोई ना कोई तो इच्छा होगी होगी, हर इंसान की कोई ना कोई इच्छा होती है, आपकी भी कोई ना कोई इच्छा होगी, आप में से कोई जो है
इच्छा रखता होगा कि उसको एक अच्छी जॉब मिल जाए, एक अच्छी सैलरी मिल जाए, इस कंपनी में जॉब मिल जाए, इस डिजिग्नेशन पे जॉब मिल जाए, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको अपने माइंड में ये सोचना है कि आपको कहाँ पे जॉब चाहिए, किस कंपनी में जॉब चाहिए, ठीक है? उसके बाद किस पोस्ट पे आपको जॉब चाहिए, उस पोस्ट के बारे में आपको सोचना है। उसके बाद आपको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, ईयरली आपकी कितनी सैलरी होनी चाहिए। ऑब्वियस है ना, आपको जॉब कंपनी में लगेगी, उसके बाद डेफिनेटली आपकी कोई ना कोई पोस्ट होगी, आपको पोस्ट चाहिए, उसके बाद उस पोस्ट से आपको पैसे भी चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें आप इकट्ठे अपने दिमाग में सोचेंगे, देन आप लेंगे ब्लू कलर का पेन और लेंगे एक बनाएंगे डायरी। उस डायरी में आपको अपनी इंटेंशन लिखनी है। अब कैसे लिखनी है, मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं थोड़े से, वो मैं आपको बताती हूँ। तो अगर आपको नई जॉब चाहिए तो आप लिखेंगे थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई न्यू जॉब, क्योंकि जैसे मैंने बोला था प्रेजेंट टेंस है, हम जी रहे हैं अपनी मैनिफेस्टिंग को, अपनी इच्छा को। थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई न्यू जॉब एट कंपनी का नाम, जिस भी कंपनी में आपको चाहिए उस कंपनी का नाम। आई वुड रियली लाइक टू वर्क फॉर डूइंग जॉब, कौन सी पोस्ट पे आपको काम करना है उस पोस्ट का नाम लिखेंगे आप। मेकिंग, कितनी मनी आपको बनाना है मेकिंग, फॉर एग्जाम्पल आपको चाहिए ये लाख रुपीज पर ईयर, तो फॉर एग्जाम्पल आप लिखोगे मेकिंग लाख रुपीज, या जो भी आपकी करेंसी है डॉलर्स रुपीज, जो भी करेंसी है वो लिखेंगे लाख रुपीज ईयरली, ठीक है, आपको ये लिखना है। सेकेंड एग्जाम्पल लेती हूँ, अगर आपको रिलेशनशिप का है, अगर आप चाहते हो आपकी ज़िंदगी में कोई नया पार्टनर आपकी लाइफ में आए, आप अट्रैक्ट करना चाहते हो न्यू पार्टनर इन योर लाइफ, तो आप कैसे लिखोगे थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई रोमांटिक पार्टनर हु इज़ मेंटली फिजिकली एंड स्पिरिचुअली अट्रैक्टेड टू मी। तो आप समझ रहे हो, आपको जो चाहिए वो आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है, क्लियर लिखना है, उसमें डू डोंट नहीं लिखना है, स्वीट एंड शॉर्ट लिखना है। थैंक यू यूनिवर्स से आपको शुरू करना है, क्योंकि आप थैंक्स कर रहे हो यूनिवर्स को कि आपको आपकी जो इच्छा है वो मिल चुकी है, आप अपनी इच्छा को जी रहे हो। एक और एग्जांपल ले लेती हूँ कि आप में से अगर कोई चाहता है कि उसको पर्टिकुलर अमाउंट जो है इस वक्त ज़रूरत है, इस वक्त आपको कोई पर्टिकुलर अमाउंट की ज़रूरत है, तो आप क्या लिखोगे थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी, फॉर एग्जाम्पल मेरे को 10,000 की ज़रूरत है, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी 10,000 रुपीज, ठीक है। तो ये मैंने एक दो एग्जाम्पल लिए, आपकी कोई भी इच्छा हो सकती है, घर से लेके हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, तो आप उसको क्लियरली पहले माइंड में सेट करोगे और हार्ट में भी सेट करोगे। जब माइंड सोच रहा है तो दिल ये ना सोचे कि कैसे होगा, कहाँ से होगा, कैसे आएंगे पैसे, कैसे खरीदूंगा मैं घर, नहीं, माइंड भी यही कह रहा है और दिमाग भी यही कह रहा है कि मेरे पास घर आ गया, मैं उस घर में रह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अब आपको कैसे करना है, ये इंटेंशन पहले आपने सोचनी है, जो आपकी विश है इच्छा है वो आपको सोचनी है। उसके बाद आपको ब्लू पेन लेना है, डायरी लेनी है, डायरी मेंटेन करिएगा अलग, उस पे आपको लिखना है। अब जिस प्रकार से हम जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर कहता है ना सुबह दोपहर शाम आपको दवाई खानी है, सुबह आपको दो टैबलेट खानी है तो दिन में दो खानी है या चार खानी है, या शाम को आपको एक खानी है या दो खानी है, प्रोसेस रहेगा 5 दिन का, ये आपको रिपीट करना है। तो हर रोज आपको 5 दिन तक दो खानी है, सुबह दवाई फिर शाम को खानी है फिर रात को खानी है। सेम वे आपको ये इंटेंशन लिखनी है, कैसे 33 डेज तक लगातार लिखनी है। मॉर्निंग में लिखेंगे कितनी बारी, 3 बारी, आफ्टरनून में लिखेंगे कितनी बारी, 6 बारी, और शाम को या फिर रात को, जो भी कन्वीनियंट है आपके लिए, शाम को या फिर रात को आप लिखेंगे कितने बारी, 9 टाइम्स। तो 3 मॉर्निंग 6 आफ्टरनून 9, या तो आप लिखेंगे इवनिंग में या फिर रात में लिखेंगे, ठीक है। तो 3 6 9 का आपको ऐसे प्रोसेस फॉलो करना है, क्योंकि आपकी बॉडी की जो एनर्जी है वो भी 3 6 9 पे ट्यून है। उसको आपको कनेक्ट किससे करना है कि सबकॉन्शियस माइंड में ये जो एनर्जी है 3 6 9 की, ये किसके साथ अलाइन हो जाए, यूनिवर्स की एनर्जी जो कि 3 6 9 है उसके साथ अलाइन हो जाए।
तो आप मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग लिखेंगे 33 डेज तक सेम सेम विश सेम, आप वर्ड्स को चेंज नहीं करेंगे, जो आपने लिख दिया वही आप लिखेंगे। तो इसलिए सबसे पहले दिमाग में और दिल में अच्छे से सोच लेना कि आपको क्या वर्ड्स लिखने हैं, उसके बाद आप जिस भी टाइम पे आप लिखेंगे, ठीक है, उस टाइम पे आपको 33 डेज तक रोज रिपीट करना है। तो अगर आपने सुबह 9 बजे लिखा है तो 33 डेज तक आपको सुबह 9 बजे ही लिखना है, और अगर आपने दिन में 1 बजे लिखा है तो 33 डेज तक 1 बजे तक ही लिखना है। अगर आपने शाम को या रात को लिखा है, जिस टाइम पे लिखा है, तो 33 डेज तक आपको उसे उसी सेम टाइम पे लिखना है, क्योंकि आपको क्या करना है, ट्यून। अगर आप भूल जाते हो, 1 घंटा लेट हो जाते हो, 2 घंटा लेट हो जाते हो, 15 मिनट पहले लिख देते हो, 15 मिनट बाद में याद आता है, इसका मतलब आपकी इच्छा है और आप उस इच्छा को पूरा ही नहीं होना देना चाहते, आप उस एनर्जी में ट्यून ही नहीं होना चाहते हो। आपका माइंड और हार्ट ट्यून ही नहीं है, इस कारण ये प्रोसेस भी आपके लिए वर्क नहीं करेगा। तो आपको एग्जैक्ट टाइम पे लिखना है, 15 मिनट ना आगे ना 15 मिनट पीछे, ना 1 घंटा आगे ना 1 घंटा बाद में, क्योंकि ट्यूनिंग तो एक साथ ही चलती है, आप ट्यूनिंग को जब चाहो चेंज नहीं कर सकते। अब लिखने के बाद, तो आपने जब मॉर्निंग में 3 बारी लिख लिया, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद का प्रोसेस है, आपको 17 सेकेंड्स का अलार्म लगाना है अपने मोबाइल पर। मोबाइल पे अलार्म लगाइएगा, आराम से आंखें बंद करके बैठिएगा, ठीक है, 17 सेकेंड से थोड़ा सा ऊपर का अलार्म लगा लीजिएगा, क्योंकि आप अलार्म लगाएंगे आंखें बंद करके बैठेंगे तो 1-2 सेकेंड जो है वो निकलेगा, तो आप चाहो तो 20 सेकेंड्स का अलार्म लगा लीजिएगा। आप आराम से आंखें बंद करके बैठिएगा, आपको आलती बालती मारनी है तो आलती बालती मारिएगा, अगर आप ऑफिस में कर रहे हैं ये टेक्निक या कहीं और कर रहे हैं तो आराम से बस आपको आंखें बंद करनी है। उसके बाद जो आपने विश लिखी है, उस विश को आपको विजुलाइज करना है अपने दिमाग में और अपने दिल में। दिमाग में विजुलाइज करोगे कि ये आपके साथ हो रहा है, अगर आपने जॉब के लिए लिखी है तो दिमाग विजुलाइज कर रहा है कि मैंने जिस जॉब का आपका नाम है, जिस कंपनी का नाम है, उस कंपनी के नाम को आप विजुलाइज करोगे, आप देखोगे कि आप उस ऑफिस के अंदर एंटर कर रहे हो, आप उस कुर्सी पर बैठे हो जिस डेजिग्नेशन के लिए आपने अप्लाई किया था वो मिल चुकी है आपको, और आप उस कुर्सी पर बैठे हो, आप काम कर रहे हो, आपको उस जॉब से जो आपने सैलरी लिखी थी वो सैलरी मिल रही है। ये आपको प्रॉपर विजुलाइज करना है कि आप वो जिंदगी जी रहे हो, अपनी विश जी रहे हो, ये आपको विजुलाइज करना है। अगर आपने विजुलाइज किया है कि आप नए, आपने लिखा है कि आप नए घर में रह रहे हो, तो आप उसको विजुलाइज करोगे कि आप नए घर में रह रहे हो, आप अपने घर में काम कर रहे हो, आप अपने घर में फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। तो जो इच्छा आपने लिखी है उसको आपको क्या करना है, पिक्चर के तौर पर, एक मूवी के तौर पे अपने दिल और दिमाग में 17 सेकेंड्स तक विजुलाइज करना है। लेकिन आप अलार्म 20 सेकेंड्स का लगा रहे हैं, तो जब तक आपका अलार्म नहीं बजेगा तब तक आपको वो विजुलाइज करना है। आपको ये नहीं लगना चाहिए हो अलार्म नहीं बज रहा, अभी तक इतनी देर हो गया, सोचते सोचते मैं क्या सोचूं, तो अगेन आपकी इच्छा है, जितना आप अपनी इच्छा को इस वक्त जियोगे 369 मेथड में आप जियोगे, आप देखोगे ऐसे आपकी विश पूरी हो गई, मैं गारंटी लेती हूँ उस चीज़ की। लेकिन बिलीफ आपका है, अगर आपकी ट्यूनिंग में हल्की सी भी खच 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 हुई तो ये मेथड आपके लिए वर्क नहीं करेगा। आते हैं वापस से, मॉर्निंग में आपने लिखा, 17 सेकेंड्स का अलार्म लगाया, 20 सेकेंड्स का अलार्म लगाया और आपने विजुलाइज किया, फिर आपने आफ्टरनून में 6 टाइम्स लिखा, 20 सेकेंड्स का अलार्म लगाया, विजुलाइज किया, इवनिंग या नाइट जब भी आप लिख रहे हो 20 सेकेंड्स का अलार्म लगाया लिखने के बाद, विजुलाइज किया। ये प्रोसेस आपको कंटिन्यू करना है कितने दिन तक, 33 डेज तक। जब ये प्रोसेस 33 डेज के बाद कंप्लीट हो जाएगा, तब आप अपनी दूसरी इच्छा की ओर वापस से इस प्रोसेस को रिपीट कर सकते हो। अगेन अपनी ट्यूनिंग करेक्ट करो, यूनिवर्स के साथ ट्यून करो, और आप देखो कि 33 डेज में आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। आपका बिलीफ है, आपका विल है, आपका एक्शन है,
आपको करना है। मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि ये टेक्निक करने के बाद आपको क्या रिजल्ट्स मिले। अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो डेफिनेटली आपकी ट्यूनिंग में गड़बड़ था। अगेन प्रोसेस पे ट्रस्ट करना, अपने आप पे ट्रस्ट करना और फिर से इस प्रोसेस को रिपीट करना 101%। दिस इज अ सीक्रेट टेक्निक जो मैंने आपको बताई है। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज यूं फैलाते रहें। जिन लोगों ने अभी तक अपना चैनल डिवाइन सोल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियो समय समय पर मिलती रहे। माई नेम इज मेघा गोयल। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, वास्तु एंड फेंग शुई एक्सपर्ट, टैरो कार्ड रीडर, साइकिक हीलर एंड अ लाइफ कोच। एंजल्स लव फॉर एवरीवन। आत्मा नमस्ते।